हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टीरियर फोसा मॉल फॉर्मेशन के बारे में तो देखिए पोस्टीरियर फोसा मॉल फॉर्मेशन में क्या चीज दी गई है कैरी वन माल फॉर्मेशन कैरी टू माल फॉर्मेशन और डेंडी वालकर माल फॉर्मेशन तो देखिए कैरी वन माल फॉर्मेशन में एक्टोपिया ऑफ टॉन्सिल इन्फीरियर टू फॉराम मैगनम तो सबसे पहला सेंटेंस यही दिया गया है कि फॉराम मैगनम के नीचे सेरिबेलर टॉन्सिल आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉराम मैगनम है और मैग्नम से ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है और ये हमारा सैरी है तो ये देखिए सैरीबेलम के टॉन्सिल जो है ये फॉराम मैग्नम के नीचे आ जाती है हरनीट कर जाती है तो कैरीवन माल फॉर्मेशन में यही होता है कि सैरीबेलर टॉन्सिल फॉराम मैग्नम के नीचे आ जाती है और इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर पास करता है तो यहाँ पर यही दिया गया है और रिलेट किया गया है कैरीवन मालफॉर्मेशन से ताकि हमें याद करने में आसानी हो और अगर हम सिम्टम की बात करें तो चाइल्डहुड में ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है और एडल्टहुड में इसके मैनिफेस्टेशंस ज़ाहिर होते हैं जैसे हेडेक हमें देखने को मिलेगा और सेरिबेलर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे यानी सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम होने लगेंगी तो सेरिबेलम के मेन फंक्शन तीन हम जानते हैं कि टोन है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट है और पोस्चर एंड बैलेंस है तो ये जो तीन मेन फंक्शन है इसमें हमें परेशानी देखने को मिलेगी और इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस कौन सी हैं तो वो है स्पाइनल कैविटेशन तो कोई भी स्पाइनल कैविटेशन हो इसमें हमें कैरिमन मॉल फॉर्मेशन देखने को मिलता है लेकिन मेनली यहाँ क्या दिया गया है सैरिंगो माइलिया तो सैरिंगो माइलिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और कैरीटू मॉल फॉर्मेशन में क्या है हर्निएशन ऑफ सेरिबलम सेरिबलम हर्निएट करेगा और मेडुला भी हर्निएट करेगा थ्रो फॉराम मैग्नम तो फॉरमन मैग्नम से सेरिबलम और मेडुला दोनों स्ट्रक्चर हर्नीएट करेंगे तो देखिए दो स्ट्रक्चर हर्नीएट कर रहे हैं तो इसी को यहाँ रिलेट किया गया कैरीटू मॉल फॉर्मेशन से और सेरिबेलम के भी देखिए दो स्ट्रक्चर हनीएड कर रहे हैं वर्मिस और टॉन्सिल यहाँ देखिए सिर्फ टॉन्सिल हर्नीट कर रहा था लेकिन यहाँ देखिए दो स्ट्रक्चर वर्मिस और टॉन्सिल दोनों हर्नीएड कर रहे हैं ये डिफरेंस है दोनों में और इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हमें देखने को मिलेगा और ये मोर सीवियर देन कैरी वन होगा क्योंकि इसमें देखिए स्ट्रक्चर इस ज़्यादा हो रहे हैं इसी वजह से ज़्यादा सीवियर होगा और इसके सिम्टम्स जो होंगे ये अर्ली लाइफ में ही प्रेजेंट होंगे और सिम्टम्स क्या होंगे डिस्फेजिया होगा इस्ट्रीडोर होगा एपनिया होगा लिम्ब वीकनेस ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो अर्ली लाइफ में हमें देखने को मिलेंगे जबकि यहाँ पे चाइल्डहुड में सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे और इसकी एसोसिएटेड कंडीशन है माइलोमेनजियोसील तो माइलोमेनजियोसील में ये चीज़ देखने को मिलेगी और यूजली लम्बो सैक्रल माइलोमेनजियोसील में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और डेंडी वालकर माल फॉर्मेशन ये तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे दी गई तो ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है इसमें क्या है कि एजनिस ऑफ सेरीबेलर वर्मिस तो सेरीबेलर का जो वर्मिस है वो जेनेसिस ही नहीं यूज़ की होगी एजेसिस होगी जिसकी वजह से स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ पे जब स्पेस खाली होगा उसकी वजह से सिस्टिक इन्लार्जमेंट ऑफ़ फोर्थ वेंटिकल तो फोर्थ वेंटिकल इन हो जाएगी तो ये यह देखिए यहाँ पर फोर्थ वेंटिकल इन हो गई इस स्पेस को फिल करने के लिए तो वही यहाँ पर दिया गया है दैट फिल्स द इन पोस्टीरियर पोस्टीयर फोस्ता तो पोस्टरियर फोसा जो है यहाँ पे ये इनलार्ज हो गया इसी को फिल करने के लिए फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये इनलार्ज हो जाएगी और इसकी एसोसिएटेड कंडीशन है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस या स्पाइना इस्पाइनाफ्यविडा तो नॉन का हाइड्रोसिफेलस या इस्पाइनाफिडा में डेंडी वालकर माल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है तो ये तीनों कंडीशन हमने देख ली कैरी वन माल फॉर्मेशन में सिर्फ टॉन्सिल हर करेगी और कैरिटो में टॉन्सिल और वर्मिस तो हर्निएट करेंगे इस सेरिबेलम में साथ साथ मेडुला भी हर्निएट करेगा इसी वजह से ये जो है ये ज़्यादा सीवियर होगा कैरी वन से और ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड भी कॉज करेगा जबकि कैरी वन में क्या है कि ये अर्ली चाइल्डहुड में इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे इसके सिम्टम्स सिर्फ एडल्टहुड में देखने को मिलेंगे और कैरी टू में देखिए क्या है कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके सिम्टम्स जो होंगे ये अर्ली लाइफ में ही देखने को मिलेंगे और अर्ली लाइफ में सिम्टम्स कौन कौन से होंगे डिस्फेजिया स्टीडो और एप्टिया वीकनेस तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं और यहाँ पे जब एजनीसिस होगी तो एजनीसिस की वजह से ये यह चीज़ यहाँ पर दी गई है और हमने इसको देख लिया और ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लीजिए देखिए यहाँ पर ये सैरिंग्स है और ये देखिए कैरी वन वाला फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर देखिए ये फॉर्मन मैगनम है और ये देखिए ये सेरिबेलर टॉन्सिल यहाँ पे ये हर्निएट कर गया है तो ये कैरी ऑन फॉर्मेशन है ये भी कैरी ऑन फॉर्मेशन है ये देखिए ये डेंडी वालकर मालफॉर्मेशन ये यहाँ पे दिखाया गया है थैंक यू